अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है बच्चों के लिए एक हेल्दी फूड, सूजी की खीर कह लीजिए या कुछ भी, सूजी का हलवा कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। 6 महीने के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत हेल्दी फूड है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सूजी एक ऐसा फूड है बच्चों के लिए जो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है। जिन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सूजी में आयरन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने सूजी को पहले से ही भून कर रख लिया हुआ है ताकि जब भी मुझे बनाना हो तो बनाने के लिए बहुत आसानी और फटाफट से बन जाए। और जब हम सोचें कि हमारा काम जल्दी हो जाए तो फिर ये सब कुछ तो होना ही होता है। ये देखिए मेरी जद्दोजहद। बहुत कोशिश करने के बाद हमारी मेहनत रंग लाई। तो यहाँ पर हम एक साफ़ सुथरा सा अच्छा सा पैन ले लेंगे या छोटा सा कोई पतीला ले लेंगे। उसमें हमने डालना है 1 टीस्पून देसी घी। मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर सूजी ऐड की। मेरे हिसाब से 1 टेबल स्पून बिल्कुल ठीक था, आप चाहें तो यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सूजी को घी में ऐड करने के बाद हमने इसी घी के अंदर उसको अच्छी तरह से भून लेना है 1 मिनट के लिए। और जब ये अच्छी तरह से भून जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, घी में इसको इसलिए भी भून लेंगे जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल खिली खिली पकेगी। अगर इसको नहीं भूनेंगे तो वो चिपचिपी सी हो जाएगी बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरह भूनने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 गिलास पानी। पानी ऐड करने लगे तो पहले थोड़ा सा डालें क्योंकि इस मुकाम पर बहुत चर्र करके आवाज़ आती है, तो वो सब बाहर भी आ सकती है, आपके ऊपर भी आ सकती है, तो बहुत ध्यान से काम करना है। और यहाँ पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और 3 मिनट ढक कर पकाने के बाद इसकी सूरत हाल हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। इसको और मज़ीद हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे और यह हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब हमने यहाँ पर शुगर, हनी, गुड़ या जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शक्कर ऐड की है। चीनी को जितना हो सके अवॉइड करें, कोशिश करें हनी, शक्कर या गुड़ का ही इस्तेमाल करें। और अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शक्कर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून सूजी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप जितने टेबल स्पून सूजी लेंगे उस हिसाब से आप इसके अंदर शक्कर, गुड़ या जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड कर दीजिएगा। और अब इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स। और ये मुझसे मिक्स ही नहीं हो रहा था क्योंकि एक हाथ में तो मेरा मोबाइल था ना इसलिए। और अब यहाँ पर हो गई है सूजी बिल्कुल रेडी। तो मैंने सोचा पहले इजहान को हम तैयार कर दें, उसको कपड़े शपड़े पहना के, उसको नहला के। और जनाब यहाँ पर ये सारे काम भी हो गए हैं। और अब मैंने सूजी को एक बॉल में निकाल लिया है। और सूजी कोशिश करें कि नीम गर्म ही बच्चों को खिलाएं, बिल्कुल ठंडी करके ना खिलाएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमान अल्लाह।